This is Ruhi Malik with four of you. Welcome back to my YouTube channel Mathematics and English Mantra. So guys, आज है 25 जुलाई 2018. तो 25 जुलाई 2018 से जितने भी important question बनते हैं, आज हम इस section में discuss करेंगे with full details. तो video को last तक जरूर देखिएगा because of मैं last में एक quiz का question पूछती हूँ, तो उसका answer आपको comment box में देना है. और जो भी सबसे पहले comment box में answer देता है, आप सभी लोग जो video देख रहे हैं, आपको सभी को पता है, मैं इन last video के last में उसको यहाँ पे show off करती हूँ उसके comment को और उसका बताती हूँ कि वो था yesterday quiz का winner. Okay? So video को last तक ध्यान से देखिएगा. जो भी मैं question पूछूंगी उसका answer जरूर दीजिएगा. So आइए देखते हैं अपना first question. First question क्या है हमारा? हाल ही में पाकिस्तान उच्च न्यायालय को न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुई है? तो ये नियुक्त हुई है ताहिरा सफदर. ओके, कहाँ नियुक्त हुई है? पाकिस्तान में हुई है. तो पाकिस्तान में हुई है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के किस हाई कोर्ट में नियुक्त हुई है. तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान हाई कोर्ट में नियुक्त की गई है. पहली महिला है जो कौन हुई है, न्यायाधीश बनी है ताहिर सफदर. ओके, पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए. पाकिस्तान की कैपिटल की अगर बात करें तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद. और पाकिस्तान की करेंसी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रूपी. ओके, सो इतना हमारे इस क्वेश्चन से बेसिक नॉलेज जो है वो हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हम चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में कितनी परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो ये की है 4400 परियोजनाओं की स्टार्टिंग की है इन्होंने. किसने? जो है सड़क मंत्री परिवहन मंत्री जो है कौन है? नितिन गडकरी. इन्होंने क्या किया है? मध्य प्रदेश में 54 परियोजनाओं की स्टार्टिंग की है, मतलब शुरुआत की है. अभी बात हुई है हमारी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में हमें पता होना चाहिए. मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल. है प्रेजेंट टाइम में शिवराज सिंह चौहान. ओके, मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान. ओके, अभी मध्य प्रदेश में की है तो मध्य प्रदेश के कहाँ पे की है? मध्य प्रदेश के पूना शहर में स्टार्टिंग की है, मतलब शुरुआत की है. ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने रवांडा के साथ कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं 8 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. गाइस, मैंने यस्टरडे जो मैंने अभी पढ़ाया था 24 जो हमारे जुलाई का करंट अफेयर था, उसमें मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं. ठीक है, कहाँ कहाँ गए हैं? रवांडा, युगांडा और साउथ अफ्रीका. तो फर्स्ट कहाँ गए हैं? ये रवांडा में गए हैं. और रवांडा में इन्होंने क्या किया है? 8 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं रवांडा के पीएम के साथ मिलकर. ओके, अभी हमें पता होना चाहिए कि रवांडा की बात आई है तो रवांडा की कैपिटल क्या है? ओके, रवांडा की कैपिटल है कगाली. और रवांडा की अगर करेंसी की हम बात करें तो रवांडा की करेंसी है रवांडा फ्रांस. ओके, रवांडा की कैपिटल सॉरी करेंसी क्या है? रवांडा फ्रांस. ओके, सो आपको इतना पता होना चाहिए. अच्छा, इस जो ये क्वेश्चन है इससे सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन निकलता है. एक क्वेश्चन ये बनेगा कि इंडिया के जो पहले पीएम है वो कौन है? कौन ऐसे पहले पीएम है जो रवांडा की यात्रा पर गए हैं? अभी तक इंडिया से कोई भी रवांडा की यात्रा पर नहीं गया है पीएम. तो पीएम की बात आएगी तो फर्स्ट पीएम कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कौन है? फर्स्ट पीएम है जो रवांडा की यात्रा पर गए हैं. सो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. नेक्स्ट क्या है? हाल ही में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई है चेन्नई में. ओके, कहाँ हुई है? चेन्नई में हुई है. अभी चेन्नई जैसे ही आया तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि चेन्नई कहाँ है. तो चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है चेन्नई. और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई. ओके, एंड तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? तो तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में सीएम है ईआर पलानीस्वामी. ओके, कौन है सीएम? ईआर पलानीस्वामी. ओके, सो आपको इतना इस क्वेश्चन से जो भी बेसिक नॉलेज होती है वो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? हाल ही में ओलंपिक पदक विजेताओं को प्रति माह कितने रुपए पेंशन दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 20,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी. ठीक है, तो ये किसने घोषणा की है कि ओलंपिक पदक विजेताओं को 20,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी? तो ये हमारे खेल मंत्री राजवर्धन सिंह ने ये घोषणा की है कि अभी क्या किया जाएगा, जो भी ओलंपिक पदक विजेता हैं उनको 20,000 रुपए पर माह मतलब इनको पेंशन दी जाएगी. ओके, अभी जब बात आई है राजवर्धन सिंह की तो राजवर्धन सिंह से हमें एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. खेलो इंडिया का लोगो जो लॉन्च हुआ है वो किसने किया था? तो वो भी राजवर्धन सिंह ने किया था. ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखना. ओके गाइस, तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉब लिंचिंग की जांच के लिए सरकार ने किसकी
अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की है, तो ये की है राजीव गौबा। याद रखना राजीव कुमार नहीं लगाना है, क्या लगाना है, राजीव गौबा लगाना है, ठीक है। तो ये मॉब लिंचिंग क्या है, मॉब लिंचिंग के बारे में मैं अभी लास्ट जो सेक्शन मैंने कराया था उसमें मैंने बताया था, ये काफी अभी मतलब ट्रेंडिंग में है। तो मॉब लिंचिंग है क्या, मॉब लिंचिंग ये है कि मतलब भीड़ भाड़ से जब किसी की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो क्या होता है, मतलब मॉब लिंचिंग से उसको हम क्या बोलते हैं, मॉब लिंचिंग बोलते हैं, ओके। तो अभी बोला था कि मतलब सुप्रीम कोर्ट से एक मतलब समिति जारी की गई थी कि मतलब इससे सबसे पहले इसको जो है रोकने के लिए 4 वीक का टाइम दिया गया था कि 4 वीक में इसे रोकने के लिए कोई ना कोई रिपोर्ट तैयार की जाए, ठीक है। तो अभी इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, राजीव गौबा कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये एक चीज है कि ये समिति जो है समिति को अगस्त 2018 में ही मतलब इस समिति की जांच अपनी जमा करनी होगी, ओके। सो ये जो क्वेश्चन है इससे इतनी इन्फॉर्मेशन है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हाल ही में जर्मन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो ये जीता है लुई हैमिल्टन ने, किसने जीता है, लुई हैमिल्टन ने जीता है। अभी ये पूछ सकता है कि लुई हैमिल्टन किस कंपनी से हैं, तो ये मर्सिडीज से हैं। लुई हैमिल्टन किस कंपनी से हैं, मर्सिडीज से हैं, और ये फर्स्ट नंबर पे हैं। फर्स्ट नंबर पे किसने जीता है, लुई हैमिल्टन ने जीता है। मैं हमेशा बोलती हूँ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हमें पता होना चाहिए, तो सेकंड पे कौन सी कंपनी के रहे हैं ये भी पूछ सकता है, तो सेकंड पे भी मर्सिडीज कंपनी के ही रहे हैं, और थर्ड अगर पूछे तो थर्ड पे रहे हैं फरारी के, ओके, फरारी के थर्ड नंबर पे रहे हैं जर्मन ग्रैंड जिसने मतलब जीता है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में नीति आयोग ने महत्वाकांक्षी जिलों में सहयोग के लिए किस फाउंडेशन के साथ हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं ल्यूपिन फाउंडेशन के साथ हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। नीति आयोग ने किए हैं, तो अभी हमें नीति आयोग के बारे में पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नीति आयोग की स्थापना की अगर हम बात करें तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में, ओके, 1 जनवरी 2015 में। अभी इसके अध्यक्ष की बात करें कि इसके नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा पीएम रहते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में कौन पीएम है, पीएम मोदी, मतलब नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष है, ओके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सीईओ कौन है, ये क्वेश्चन हमेशा नीति आयोग से पूछा जाता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो वो कौन है, अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ है, ओके। ये महत्वाकांक्षी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो महत्वाकांक्षी होता क्या है, महत्वाकांक्षी जिलों की लिस्ट अभी जारी की गई थी, उसमें सबसे पहले नंबर पे था गुजरात का दाऊद जिला, कौन था, गुजरात का दाऊद जिला। अभी ये है कि महत्वाकांक्षी जिले सबको मतलब एक लिस्ट बनाई जाएगी, उसमें क्या होगा कि मतलब सारे जिलों में एक कॉम्पिटिशन हो, और कॉम्पिटिशन से क्या हो, वहां पे जिले, सारे जिले क्या हो, अपने आप ही डेवलप हो, ठीक है। तो वो उसकी फिर लिस्ट बनेगी, तो कौन सबसे फर्स्ट नंबर पे है ऐसा आएगा, तो फिर क्या होगा, जिले अपने आप में ही डेवलप होंगे। तो अभी फर्स्ट नंबर पे जो ये महत्वाकांक्षी लिस्ट जो जारी हुई है उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है, गुजरात का दाऊद जिला है, ओके गाइस। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 19वां कारगिल विजय दिवस उत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में, कहाँ शुरू हुआ है, जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर की अगर बात आई है तो हम पहले जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं, जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। अभी बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर की सीएम कौन है, प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर के सीएम कौन है, वो है महबूबा मुफ्ती, ओके। एंड अभी यहाँ पे बात आई है कारगिल विजय दिवस, तो कारगिल दिवस कभी ये भी पूछ सकता है कि कारगिल दिवस जो है कब मनाया जाता है, कारगिल दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को, कारगिल दिवस मनाया जाता है, ओके। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्या है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के सदस्य कौन बने हैं, तो ये बने हैं श्री एस एन दास, ओके। लास्ट क्वेश्चन आपका था कि श्री एस एन दास कौन बन गए हैं, रेलवे बोर्ड के न्यू सदस्य बन गए हैं। यहाँ पे आपका सेक्शन कंप्लीट होता है। अभी हमारा जो टुडे क्विज का क्वेश्चन है वो आप लोग के सामने यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2018 के अनुसार सबसे सुसज्जित राज्य है कौन सा है, तो वो आप देखना है, बिहार, केरल, यूके मतलब उत्तराखंड, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, ओके। ये 4 जो ऑप्शन है ये आपके सामने है, सो देखते हैं आज की जो क्विज का क्वेश्चन है इसका आंसर सबसे पहले कौन देगा, जिसका कमेंट बॉक्स में आंसर सबसे पहले आएगा मैं कल उसको यहाँ पे शो ऑफ करूंगी उसके कमेंट को, और बोलती हूँ उसका नाम, बताऊंगी कि वो आज का विनर है। सो गाइस ट्राई, आप लोग ट्राई करते रहिए, अपना ट्राई करते रहिए, अपना बेस्ट देखते रहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल अंडर द सन, मतलब सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में, और सब कुछ पॉसिबल है इस सूरज के नीचे, ओके गाइस। सो
फाइंड दैट एंड आपका आज का सेक्शन जो है 25 जुलाई का सेक्शन कंप्लीट होता है एंड ऑल द बेस्ट डियर एंड प्लीज डियर जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक किया करो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट करके बता दे मुझे कि आपको फीडबैक अपना जरूर दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है ओके एंड डियर प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं आप लोग के ही पार्टिसिपेट से अभी तक ये इतना इंक्रीज हुआ है और आप लोग जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा ये ग्रो करेगा चैनल तो आई जस्ट होप कि आप लोग सभी मेरे साथ पार्टिसिपेट जरूर करेंगे सो डियर प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लाइक कमेंट एंड शेयर ऑल्सो एंड बाय बाय डियर टेक केयर ऑल द बेस्ट गाइज़